Thank you for watching the video. Please like the video, share and subscribe the channel. Thank you. Hello friends, welcome back to Gaming UTV. Today we are going to play yet another episode of PUBG, and once again is the zombie mode. So let's see what happens today. I hope ki is bar hum jeet jaye, and we will try our best to play the game. As you know, I always play in the random mode. So random mode mein jo players hote hain wo aksar non friends hote hain, matlab jisko aap jante nahi ho, kahin bhi kisi bhi global randomly selected players hote hain. Kai baar aisa ho sakta hai ki is random position mein aapko acche players mil jaye jo acha khelte hain. Kai baar aisa bhi hota hai ki aapko aise players mil jaye jo acha nahi khelte. So and kai baar friends cooperative hote hain jo aapke sath mission mein saath dete hain, kai baar nahi dete. Kuch log apni khud ki gang do log teen log bana lete hain aur aap akele pad jate ho. So but still random ek alag challenge hai, because playing with unknown people and getting along with them and finding the way out of this arena is again a new adventure. So I always try to play in the random mode so that I get a new adventure with new people and new creativity. So jaisa aap dekh rahe hain, we are in the arena. Game has almost started and 0 seconds flight has taken there. So yes, game mein चार प्लेयर्स हैं, एक मैं भी हूँ. मोबाइल गेम खेलने का एक एडवांटेज ये है कि आप कहीं से भी खेल सकते हो. आपको कंप्यूटर के सामने बैठना नहीं पड़ता, घर के किसी भी कोने में आप बैठ करके खेल सकते हो ये गेम. एक और चीज़, इस गेम इस चैनल पे मोस्टली हम वही गेम्स अपलोड करते हैं जिसमें कि या तो हम फर्स्ट आ चुके हैं या तो फिर कुछ ऐसी चीज़ जो हमें सिखाती है इस गेम को जीतने में. सो लेट्स द गेम स्टार्ट. सबसे पहले तो गेम में उतरते ही हमें गन्स वगैरह उठानी होती है, बिकॉज व्हेन यू लैंड यू डोंट हैव एनी वेपन्स. सो फर्स्ट इज गो अहेड रन फॉर द वेपन्स. ज़ॉम्बी वॉर में जब भी आप इस टाइप के बंकर्स में आओगे, वेयरहाउस में, स्पेशली इस टाइप के वेयरहाउस में, आप देखोगे कि एक दो ज़ॉम्बीज होते हैं हमेशा. सो इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना. सो मुझे गन्स मिल चुकी हैं. ये लंबी वाली गन्स हैं. इस गन का एडवांटेज ये है कि नॉर्मली एक या दो गोली में मर जाते हैं. सो इसका इम्पैक्ट बहुत हाई होता है. डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास जो गोलियां हैं वो बहुत कम होती हैं और रिकॉल टाइम बहुत ज़्यादा होता है. हर एक बंदूक में दो ही गोली होती है, उसका तो उसे वापस रीलोड करना पड़ता है. कोई गाड़ी आ रही है, दुश्मन आ चुका है, मेरे पर फायरिंग कर रहा है. मुझे नहीं पता कि दुश्मन किधर से है. मेरा एक प्लेयर घायल हो चुका है. ऐसे में छुप के रहना बेटर है. चलो, मेरे फ्रेंड ने उसको रीइनिशिएट कर दिया. दुश्मन फायरिंग कर रहा है बाहर से. वो देखो, उधर है भी दुश्मन सामने, इधर गाड़ी भी है, मतलब दोनों तरफ दुश्मन है.
दुश्मन गाड़ी में है, उसे पता है कि हम अंदर हैं। हैवी फायरिंग हो रही है दोनों तरफ से। मेरा एक प्लेयर मारा जा चुका है। टीम में हर एक प्लेयर का इम्पोर्टेंस होता है। अगर प्लेयर जल्दी मर जाए तो टीम को लॉस होता है। आई थिंक वो चले गए हैं सर्कल करके, लेकिन चांस नहीं ले सकते। हो सकता है वो गाड़ी से उतर गया हो। ऊपर चढ़ करके देखना बेटर है। सो एज आई सेड, दे हैव नॉट गॉन, द एनिमीज आर स्टिल हियर। ऑस्ट्रेलिया वो गाड़ी से उतर गए ताकि आवाज नहीं हो। दोनों तरफ से हैवी फायरिंग हो रही है। मैंने पोजीशन ले ली है। जब भी आपको चोट लगे और आपके पास टाइम हो, बेहतर है कि आप बैंडेज का यूज़ करें। बिकॉज फ्रंट टू फ्रंट कॉम्बैट फाइटिंग में कई बार ऐसा हो सकता है कि आप दुश्मन आप पे गोली चला रहे, आप दुश्मन पे गोली चला रहे हो, लेकिन जिसके पास लाइफ ज़्यादा है वो ज़िंदा रहेगा। सो अपने आप को बराबर ट्रीट करना भी बहुत ज़रूरी है इस गेम में। सो रात होने वाली है, 3, 2, 1 एंड जैसा आप जानते हो इट्स अ ज़ॉम्बी मोड। सो ऑल द ज़ॉम्बीज़ विल कम नाउ एंड वन एनिमी स्टिल आउटसाइड फायरिंग। I think there are two people, so two enemies are still outside. मेरा एक फ्रेंड घायल हो चुका है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है बिकॉज नंबर 4 है वहाँ पे ऊपर, सो वो उसको हील कर लेगा। अगर वो नहीं आता है तो फिर मैं आ जाऊंगा। मेरे पास गोलियां कम हैं, तो मैं ज़्यादा गोलियां वेस्ट नहीं कर सकता बिकॉज दूर से फेंकने वाले आते हैं रात को।
दूर से फेंक रहे हैं। इनको मारना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ऊपर छुप भी जाओ तो ये दूर से फेंक करके मारते हैं आपको। बहुत अंधेरा हो चुका है, ऐसा मुझे दिख भी नहीं रहा कि वो कहाँ से फेंक रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि मुझे खड़े होकर के मारना पड़ेगा। बिकॉज इस अंधेरे का फ़ायदा उठा रहे हैं वो, बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं कि कहाँ से फेंक रहे हैं वो। ऐसे में डायरेक्शन देखना पड़ता है, ये इधर है, दो है, एक पीछे से फेंक रहा है और एक आगे से। इसको तो मार दिया, एक और है पीछे से फेंक रहा है, ये रहा। माई लाइफ इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ ज़ॉम्बीज, सो आई एम यूजिंग द बैंडेज वेर एवर आई गेट टाइम। दूर से फेंकने वाले इन हरों से बहुत बच के रखना पड़ता है। सुबह हो चुकी है, मेरा एक प्लेयर घायल हो चुका है, नंबर 4 उसकी मदद के लिए जा रहा है और मुझे कवर फायर देना पड़ेगा ताकि इन सबको मार के दोस्त को बचा सकूं। सो फर्स्ट बैटल ऑफ ज़ॉम्बी में 3 लोग सरवाइव कर गए। अभी कलेक्शन करने का टाइम है, सो जो भी एमिनेशंस गिरे हैं ज़ॉम्बीज़ के मरने के बाद उन्हें उठाना ज़रूरी है। सो लेट्स गो अहेड एंड कलेक्ट ऑल दी थिंग्स दैट वी हैव। Now we have to run because we are out of time. Blue line से दूर नहीं रहना है।
वन के पास लाइफ बहुत कम है, सो आई विल ट्राई टू बी विथ हिम. ज़ीरो ज़ीरो 19, 18 अनदर टाइम स्टार्ट हो चुका है ज़ॉम्बीज़ के आने का. फर्स्ट बार जो ज़ॉम्बीज़ आते हैं वो उतने ज़्यादा डेंजरस नहीं होते, यू कैन ईज़ली विन आफ्टर फर्स्ट ज़ॉम्बीज़. बट सेकेंड राउंड में, इन द राउंड टू, व्हेन ज़ॉम्बीज़ कम फॉर 3 मिनट्स, दैट इज़ एट वेरी डेडली टाइम. बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आते हैं, ऑलमोस्ट डबल ऑफ वॉट यू सॉ इन द फर्स्ट राउंड. एंड सेकेंड राउंड में और भी बड़े बड़े क्रीचर्स आते हैं, सो उनसे निपटना बहुत मुश्किल होता है. सो राइट नाउ एज यू सी 21 आर अलाइव. नाउ आफ्टर राउंड टू यू विल सी हाउ मेनी आर स्टिल लेफ्ट. सो वो एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है. अब सेकेंड राउंड में आप घर में छिप जाओ, कहीं भी छिप जाओ, दे कम आफ्टर यू, यू कैन नॉट स्किप. एमिनेशंस आपके पास होनी चाहिए, आप लाइफ आपके पास अच्छी होनी चाहिए, और स्ट्रेटजी भी इम्पॉर्टेंट है सेकेंड राउंड के लिए. कोशिश यही है कि किसी एक हाइट पे चले जाएं, ताकि जो नीचे के जॉम्बीज हैं वो हमें अफेक्ट नहीं कर सकें. सिर्फ जो ऊपर के रहेंगे उन्हें मारना होगा फिर, जो फेंकने वाले हैं. एटलीस्ट जो पैदल चलने वाले हैं उनसे हम बच सकते हैं. सो लेट्स सी. सो रात हो गया. See, if you see the number of zombies, they are too much. I mean, हर तरफ से अटैक कर रहे हैं. प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास लाइफ कम है, एंड वन आर टू भाग रहे हैं. कभी कभी भागना भी सेफ होता है. आप खड़े रह करके मारोगे, बहुत सारे आएंगे चारों तरफ से. सो आई वॉज नॉक डाउन बाय ज़ॉम्बी. सो लेसन टू बी लर्न, आई मीन जैसा आप अकेले पड़ गए हो, यू डोंट हैव द फ्रेंड्स अराउंड यू, एंड इन दैट केस यू योर सेल्फ इज़ फाइटिंग. सो इवन दो यू आर एट अ सर्टेन हाइट, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. आप हाइट के बावजूद टीममेट का ना होना एक अलग से एक प्रॉब्लम चैलेंज हो जाता है अगर आपके पास लाइफ नहीं है तो. सो लेट्स सी व्हाट द टीममेट्स आर डूइंग नाउ. आई एम श्योर दे मस्ट बी रनिंग, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द स्ट्रेटजी इन द सेकेंड राउंड टू बी यूज्ड, जब बहुत सारे ज़्यादा ज़ॉम्बीज आ जाएं आपके पीछे. तो मैंने अपने चैनल में एक आप देख सकते हो, यू कैन सर्च फॉर इट, आई हैव शोन हाउ टू विन ज़ॉम्बीज़. सो व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू विन ज़ॉम्बीज़. उसमें ये भी एक स्ट्रेटजी है कि आप भागो, यू शुड रन व्हेन यू फील दैट यू डोंट हैव एमिनेशन, आपके पास गोलियाँ ख़त्म हो गई, आपके पास लाइफ कम है. सो द बेस्ट वे इज़ टू रन, बिकॉज आप कितना ही फाइट करोगे वो दो चार आकर के आपको थोड़ा बहुत हर्ट करेंगे ही, और आपकी लाइफ कम है. So anyways, that is going to harm you. So running is the best policy. So now my friend is running. So it is also one of the best policy he is doing. Nice. So
सब भाग करके एक हाइट पे, अगेन हाइट इज वन ऑफ द ऑप्शंस टू फाइट। इस ट्रक में एक लॉस ये है कि ज़ॉम्बीज अपने हाथ अंदर डाल पा रहे हैं, सो दे माइट अफेक्ट। ट्रक तो है लेकिन अंदर से गैप होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट स्टिल इट्स बेटर टू बी एट अ सेफ साइड देन टू बी ऑन द ग्राउंड। So he has used the first aid box, which is very good because as I maine kaha, jab bhi aapke paas time ho, you can buy some time and use the first aid box. पबजी गेम की खासियत ये है कि एज़ यू सी, जब गोली मार रहे हैं तो इवन ट्रक के एज को भी लग रहा है, एंड द हाइट विड्थ यू नो एवरीथिंग इज़ सो वेल प्लान, सो विच मैनेज्ड, ग्राफिक्स बहुत ही अच्छे हैं, दे लुक्स वेरी रियलिस्टिक, इवन द बुलेट्स यू सी चिंगारी आ रही है बिकॉज वेन टचिंग टू द मेटल एंड मेटल भी उस हिसाब से कोर हो रहा है, सो एवरीथिंग इज़ वेरी वेल नीटली ड्राफ्टेड, काफ़ी डिटेल्ड में सोची गई है इस गेम को बनाने के लिए। नंबर फोर इज़ आउट ऑफ द ब्लू लाइन, नंबर वन अलग सेव जगह पे जा चुका है। So I have reminded him to go to the safe zone because he was still planning to go inside and fight. So याद दिलाना कई बार ज़रूरी होता है, जैसे कि मैंने उसको याद दिलाया, क्योंकि कि कई बार चीज़ें सेट नहीं होती हैं। यहाँ पर कुछ लोग मरे हुए हैं, नंबर वन ने भी अपनी लाइफ पैक कर ले लिया है, सो ही हैज़ ऑल्सो डन वेल, उसके पास लाइफ कम थी, ही कैन नॉट अफोर्ड टू फाइट विद ज़ॉम्बीज, सो ही मैनेज टू पीसफुली गो टू अ सेफ प्लेस, फाइंड द फर्स्ट एड एंड अप्लाई इट ऑन हिमसेल्फ। सो नाउ वन एंड टू आर वेरी क्लोज, सो अभी टाइम है, अभी 5 मिनट है, सो आई मीन दिस इज़ द टाइम व्हेन एक्चुअली यू आर गोइंग टू किल द एनिमीज। सो दो ही राउंड होते हैं, राउंड वन राउंड टू ज़ॉम्बीज, दोनों राउंड ख़त्म हो गए हैं, अभी इस राउंड में आपको एनिमीज़ को मारना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट बोथ ऑफ द टीममेट्स शुड रिमेन टुगेदर।
एक और चीज़ देखने में आती है कि जो पहले घायल हो गया या मर गया या वगैरह, इट डजेंट मीन दैट ही इज़ नॉट प्लेइंग वेल और ही इज़ नॉट अ गुड प्लेयर। दे कैन बी चांसेस जहाँ पे आप एक तरफ फायरिंग कर रहे हो और दूसरी तरफ से किसी ने आके गोली मार दी, दे कैन बी चांसेस। एंड इवन द बेस्ट टू बेस्ट प्लेयर कैन हैव दिस काइंड ऑफ सिनेरियोज, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ गेम। आप सब तरफ तो नहीं गोल गोल घूम कर देख सकते हो। वट एवर प्लेयर्स आई प्ले विथ, दीज आर नॉट हैकर्स, लेट मी टेल यू, दे आर द एक्चुअल प्लेयर्स। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस रैंडम गेम, यू गेट एक्चुअल प्लेयर्स एंड दे डू विन द गेम। सो पीपल लोग बोलते हैं कि हैकर्स हैकर्स सिर्फ हैकिंग से गेम जीतते, नहीं भैया, आप अच्छी स्ट्रैटेजी अच्छी गेमिंग से भी जीत सकते हो। एंड दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टीच टू पीपल, बिकॉज चीटिंग करके गेम जीतने से अच्छा है बी एफर्ट, अपने एफर्ट्स डालो और देन यू डू इट। आई एम जस्ट रिमाइंडिंग बोथ ऑफ देम टू फॉल टू द सेफ जोन, बिकॉज ये लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, बट वॉट दे डिडंट थॉट अबाउट इज दे आर आउट ऑफ द सेफ जोन नाउ, सो दे मस्ट फॉल बैक टू द सेफ जोन। क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि फाइटिंग करते करते ये ध्यान नहीं रहता कि सेफ जोन में जाना है हमें। दुश्मन बाहर, ये ओ शिट, ये रहा दुश्मन, ओ माय गॉड। काफ़ी अच्छी पोजीशन में थे बट अभी सिर्फ एक ही प्लेयर है। ऑलमोस्ट ये गेम हम जीत ही गए थे, लेकिन वी आर वेरी क्लोज टू रीच। आई हैव टू रिमाइंड हिम कि एक ही बंदा है एंड ही इज इनसाइड। So I'm reminding him, only one is inside. Kill him to eat chicken. I think he has done it. Wow, he has killed it. And so it's we are the winner winner chicken dinner, so the team number one, so we have won this game. Okay friends, as you saw this game, wonderful game, nice game. So stay alert and stay tuned for another episode, and take care, goodbye, bye bye. Thank you for watching the video. Please like the video, share and subscribe the channel. Thank you.